प्रीडीज प्रिया है, वेलकम बैक टू चैनल का। इस बहुत दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कैसे हो। और मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी चल रहा था लाइफ में सब कुछ मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए आप आज का ही वीडियो देख लेना जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्प्लिटेंट्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसे होती है स्प्लिटेंट्स, क्यों होती है, कैसे रिमूव करना चाहिए, सब कुछ। और यहाँ पर ये मेरी छोटी ननंद है, गाँव से आई है मेरे पास रहने के लिए छुट्टियों के लिए। और इनके बाल बहुत डैमेज थे, कंधों के नीचे से पूरे जो बाल है सब कुछ स्प्लिटेंट से भरे हुए थे। और ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ ये वाला वीडियो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। प्लीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनके कंधे के नीचे के बाल है जहाँ पे ऐसा एक भी बाल नहीं है जहाँ पे स्प्लिटेंट नहीं है, सभी बाल डैमेज हो गए हैं। और इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे इनका भी ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो स्प्लिटेंट्स होती है वो होती है दो मोहे बाल, जो यूजुअली आपको हेयर के एंड में ही दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा धूप में बाल खुले छोड़ने के कारण स्प्लिटेंट्स होती है। रॉन्ग तरीके से अगर आप बाल सुखाते हो, झटकते हो बालों को, तो स्प्लिटेंट्स होती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेके शैम्पू करने से स्प्लिटेंट्स होती है। अगर बहुत बार बार आप शैम्पू का यूज़ करते हो, बाल धोते हो, तो स्प्लिटेंट्स होती है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं स्प्लिटेंस। और अगर आप 6-6 महीने तक हेयर कट नहीं करते तो भी स्प्लिटेंस हो जाती है, बालों की ग्रोथ जो है वो थम जाती है और बाल ये ऐसे स्प्लिटेंस की वजह से बीच में टूट जाते हैं, बहुत ही नाजुक हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्प्लिटेंट्स रिमूव करने का आसान सा तरीका जो आप घर पे आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हेयर का बहुत ही छोटा सा सेक्शन लेना है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये वाली जो प्रोसीजर है इससे पूरी स्प्लिटेंट्स निकलती नहीं है, बस 50% या फिर 75% तक ही स्प्लिटेंट्स निकलते हैं। तो आपको हेयर का छोटा सा सेक्शन लेना है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, तो आपको ध्यान से करना है। और खुद का खुद आप नहीं कर सकते तो किसी और की हेल्प से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप ट्विस्ट लगाते हो तो पूरे स्प्लिटेंट जो पूरे जो आधे आधे बाल है स्प्लिटेंट से, वो सब कुछ ऐसे बिखर के बाहर आते हैं। तो अभी आपको कैंची की मदद से वो कट करना है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो आपको पेशेंस के साथ ये करना होगा। मैं आप बताती हूँ ये इस मेथड से आप स्प्लिटेंट कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बीच वाला एक छोटा सा सेक्शन लिया है, उसे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। लेफ्ट साइड में कीजिए, राइट साइड में कीजिए, बट दोनों साइड में एक ही बार आपको नहीं करना, या तो लेफ्ट या फिर राइट। तो कंधे के ऊपर स्प्लिटेंट्स नहीं है, इस वजह से ऊपर की तरफ स्प्लिटेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है जो अभी मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, वहाँ पर स्प्लिटेंट्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऑटोमेटिकली जैसे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ वैसे वैसे स्प्लिटेंट्स बाहर आ रही, यानी कि दो मुहे बाल ऐसे बाहर झुक के आएंगे। तो अब आपको बहुत आसानी हो जाएंगे वो कट करने में। अगर बाल ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आएंगे तो आपको आपके जो दो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसे आप अभी आप देख सकते हो, ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घुमाना है। घुमाना आई मीन हाथ आप घुमाइएगा, जो स्प्लिटेंट्स है, जो आधे आधे बाल है वो निकल के बाहर आएंगे। तब आप सीजर्स की मदद से उन्हें आसानी से कट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, आई होप कि जो बाल है दोनों में वो सब कुछ बाहर निकले हैं। और आपको सीधा कैंची लगाने जो मेन सेक्शन है हेयर का उसके ऊपर नहीं, जो बाल बाहर निकले हैं सिर्फ उसके ऊपर ही आप कैंची चलानी है। और आप धीरे धीरे बाल जो है वो कट कीजिएगा, आई मीन जो स्प्लिटेंट्स है उन्हें कट कीजिएगा। अगर आप नए इसमें नए हो तो आप बहुत ही सेफ़ रहिएगा इसमें, क्योंकि अगर पूरा हेयर का सेक्शन कट होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। इस वजह से ये इस तरीके से आप स्प्लिटेंट्स निकाल सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, बट अगर आपको, और हाँ ये जो प्रोसेस है इससे आपकी जो हेयर कट है वो 19-20 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर रैंडमली स्प्लिटेंट्स कट करें इस वजह से। और 50% से ज़्यादा स्प्लिटेंट्स यहाँ पे रिमूव नहीं हो जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन ये है, मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे से सैलून में जाके या फिर मेरा जो DIY हेयर कट है वो देख के आप लेयर कट या फिर स्टेप कट दीजिएगा, ताकि पूरे ऊपर से नीचे तक स्प्लिटेंट्स निकल जाए। तो इनके बालों से मैंने सिर्फ 4 से 5 सेक्शंस लेके ट्विस्टिंग प्रोसेस स्प्लिटेंट्स निकाले, बट वो बहुत ही हेक्टिक हो रहा था और स्प्लिटेंट्स अच्छे से निकल नहीं रहे थे, और ये वाला प्रोसेस ऐसा ही है। तो अगर आपको पूरे स्प्लिटेंट्स निकालने हैं तो आपको एक अच्छी से हेयर कट देनी है, जो मैं अभी इनके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। लेडीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी सी वॉल्यूमिनस हेयर कट इनके ऊपर मैंने अप्लाई की है, जिसकी मदद से सभी स्प्लिटेंट्स, एक ना एक स्प्लिटेंट और जो भी नीचे के पतले से डैमेज हुए बाल थे सब कुछ मैंने निकाल दिया है। और कितने खूबसूरत इनके बाल लग रहे हैं, वो बहुत हैप्पी थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनका हेयर कट करके। और ये वाला वीडियो जो है स्प्लिटेंट रिमूव करने का वीडियो जल्द चैनल के ऊपर आएगा। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, ये बिफोर वाले बाल है जिसके अंदर बहुत सारे स्प्लिटेंट्स थे और पतले से बाल थे। ये हमारा आफ्टर वाला मैजिकल लुक, जिसके अंदर बाल काफ़ी वॉल्यूमिनस हो गए, सारे डिफेक्टिव जो भी अब डैमेज बाल थे वो निकल गए हैं। और ये वाला हेयर कट का वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो सकता है इस वजह से।
फ्लेकनेस ना हो इस वजह से कुछ टिप्स मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके अंदर आपको बाल सुखाने का तरीका बताती हूँ। और यहाँ पे जब हम शैम्पू करते हैं, कोई भी शैम्पू यूज़ करके शैम्पू कीजिएगा, उसके बाद बाल इस तरीके से टॉवल से आप सुखा लीजिएगा 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट तक बालों का ऐसे लपेट के रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको आपके बाल फ़ैन के नीचे नेचुरल तरीके से सुखाने हैं, या फिर आप जो मॉर्निंग वाली धूप होती है वहाँ पे बैठ के भी आप सुखा सकते हो, या फिर एमरजेंसी केसेस में आप जो कोल्ड एयर होता है हेयर ड्रायर का उसकी मदद से भी सुखा सकते हो। बट आपको बालों को झटकना नहीं है या फिर रपटना नहीं है, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग, और ये खुद भी ऐसा करती थी, बाल धोने के बाद ज़ोर ज़ोर से टाल की मदद से बालों को झपटती थी या फिर ये ऐसे झटकती थी, जिससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं गाइस। पेटेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। टाल से झटकना नहीं है आपको, ऐसे हाथों से भी झटकना नहीं है। स्मूथली कॉटन का टॉल लेके आपको पानी एब्सॉर्ब कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, बालों को आप 10-15 मिनट टाल में लपेट के रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, बाल ऐसे उल्टे करके जो भी बचा बचा पानी है वो टाल के अंदर एब्सॉर्ब कर लेना है। इससे बाल डैमेज नहीं होंगे। स्प्लिटेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न वही होता है, बालों को झटकते लोग यही होता है कारण। वीडियो ये था स्प्लिटेंस के ऊपर का पार्ट वन वाला वीडियो, जिसके अंदर कुछ टिप्स ट्रिक्स मैंने शेयर किए स्प्लिटेंस रिमूव करने के। पार्ट टू में हेयर कट का वीडियो शेयर करूंगी, जिस हेयर कट के मदद से आप सभी स्प्लिटेंस डैमेज बाल रिमूव कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करना अब तक नहीं किया है तो। तो यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो 2 महीनों के बाद, और मैं आपको देख रही हूँ 2 महीनों के बाद। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।